खबर राजधानी देहरादून से है, जहां शराब की ओवर रेटिंग को लेकर आबकारी विभाग सख्त होता नजर आ रहा है। वहीं विभाग ने जांच अभियान शुरू किया। आबकारी विभाग के अभियान के दौरान करीब 5 देशी और विदेशी मदिरा की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। वहीं अन्य जगहों पर कार्रवाई के दौरान अब तक ओवर रेटिंग और अन्य अनियमितताओं पर करीब 10 लाख रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने मदिरा की दुकानों पर पोस्टर बैनर चस्पा करने के भी निर्देश। उन्होंने कहा कि 3 बार ओवर रेटिंग की शिकायत होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पे 93 दुकानें हैं पूरे देहरादून में। हमने ये अनुपालन सुनिश्चित किया कि सभी दुकानों में ये फ्लेक्सी बैनर लगा दिए जाए, और जिन जिन्होंने नहीं लगाया था उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और कई दुकानों में तो हम लोगों ने 1 लाख 2 लाख तक का भी फाइन किया है, और इसमें हमने कड़े से कड़े निर्देश जारी किए कि 3 बार अगर वायलेशन होता है ओवर रेटिंग में तो दुकान का जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो लगभग अभी हमने 10 लाख से भी ज़्यादा फाइन वसूला है, और ये कार्रवाई जारी रहेगी जब तक ओवर रेटिंग खत्म।